Delhi World Public School, India's number one emerging school, jahan hai academics, sports and performing arts ka behtareen combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. दादा ओ दादा रोनी चलो जल्दी चलो आ जाओ देखिए मेरा तो एक ही निवेदन है कि जिनके घर में भी खाद्य सामग्री है उस खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करें, वो दुखी ना हो, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल तक का ही है। आज एक तारीख हो गई है, 14 दिनों की बात और है। इन 14 दिनों को यदि हम ठीक प्रकार से निकाल लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। यदि हम इन 14 दिनों में सावधानी नहीं बरतते हैं और हम पात्र नहीं हैं और फिर भी हम पात्रता की अपेक्षा रखते हैं और उन गरीब लोगों को जो वास्तव में पात्र हैं उन तक यदि सामग्री नहीं पहुंचती है तो निश्चित रूप से ये उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जिन लोगों को लगती है कि मैं भूखा हूँ, मेरे को खाना चाहिए, तो वही जो सरकार की ओर से जो खाना वितरण हो रहा है उसको लें, और यदि उनको आवश्यकता नहीं है तो वो किसी और के लिए उसको रख लें या उस किसी और को दे दें, ताकि सरकार चूँकि प्रशासन व्यवस्था कर रही है, 65,000 जो फूड पैकेट है वो वितरण हो रहे हैं। आज से राशन की दुकानों पर जो लाभार्थी हैं, जो BPL हैं, जो खाद्य सुरक्षा में कवर लोग हैं, उनको राशन मिलना प्रारंभ हो गया है और उनसे राशन का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ₹5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से गेहूं मिल रहा है, तो ₹5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं ले ले राशन की दुकान से, और ये 10-15 दिन जो मुसीबत के दिन है उनको निकालें, और बाद में लॉकडाउन यदि हम स्वस्थ रहते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं, आज अष्टमी भी है, हम कामना करते हैं कि हम जो है ये कोरोना वायरस पर काबू पाएंगे, हम जीतेंगे ये जंग, और जीतने के बाद में सब चीज़ें सामान्य होने वाली है, सामान्य तरीके से घटित होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।